का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन हम या प्रिय बेटी आपको ईपीएस 95 की कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं। आपकी प्रिय बेटी दिल्ली के कई सांसद और मंत्रियों के दरवाजे पर बराबर दस्तक दे रही हैं, कुछ बोलो और जवाब दो। अनौपचारिक बातें तो कर लेते हैं, लेकिन ऑन कैमरे के सामने दिल्ली के सांसद और मंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों के यहाँ आप ये समझिए बराबर जा रही हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट लाएं और आपको सुनाएं। आप गर्वित भी हैं, हर्षित भी हैं, आपके अंदर हर्षो उल्लास भी है। इसलिए है कि आपने देखा कि दो दिन पहले अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण की प्रतिष्ठा हुई। अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, गर्व की बात है। अब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा अटक गई है, किसकी? वृद्धजनों का, ईपीएस पेंशनरों की। इनकी प्राण की भी रक्षा होना है, इनके प्राण की प्रतिष्ठा होना है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारी टीम के लोग जो है इस समय, हम जैसे जंतर मंतर है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ रायसीना हिल्स ले लीजिए, आप केंद्रीय सचिवालय ले लीजिए, संसद भवन ले लीजिए, नया पुराना देख लीजिए, तो सारे मंत्री और सांसदों का निवास यहीं पर है। लेकिन अनौपचारिक बातें तो सब ही कर लेते हैं, हमसे भी कर लेते हैं, प्रिय बेटी से भी कर लेते हैं, लेकिन कैमरे के सामने ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आपको विश्वास है 26 तारीख के बाद प्रिया जो है, प्रिया जी इंटरव्यू लेकर के आएंगे आपके सामने, जो है उनका इंटरव्यू इसी चैनल पे आपको मिलेगा, AFR वॉइस में मिले, दबंग दिल्ली या मिनी संसद में। दोस्तों अब हम बात पर आते हैं, एक बात आ रही है, अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन दृष्टि झरी जाई। हे विष्णु अवतारी, आपने अवधपुरी अयोध्या धाम को अति सुंदर मनोरम और भव्य बना दिया है कि आज देवता भी इंद्रलोक से आकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, बड़े बड़े देवता भी करेंगे, और भारत के जनमानस के अंदर जो भावना उमड़ी श्री रामचरित के सुनकर के और अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा का, अयोध्या धाम के लिए लोग, जितना बड़ा जन सैलाब वहां पहुंच रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ये अकथनीय हो गया है। उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाएगा कम हो जाएगा। अब आप वहां से जो है मुक्त हो चुके हैं, कई मंदिरों का दर्शन भी कर लिया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हो गया, भव्य हुआ, मनोरम हुआ, अच्छी बात हुई। अब प्राण प्रतिष्ठा इधर अटक गई है, वृद्ध जनों का प्राण और प्रतिष्ठा है। आप बताइए, सवाल बनता है, जो आदमी भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में 10 साल 15 साल 20 साल खून पसीने को बहा दिया, आज वो रोटी के लिए तरसे, आज वो दवाई के लिए तरसे, आप बताइए क्या रामराज में यही होता था कि लोग भूखे मरेंगे, लोग दवाई के लिए मरेंगे, तिल तिल के मरेंगे, और अपना भी गर्मियां गिराना होगा, अपना भी सम्मान गिराना होगा, इसी दिन के लिए लोगों ने नौकरी किया था। आप बताइए 75 लाख लोग जो पीड़ित हैं, जो अनशन कर्मी के लिए तैयार हैं कि हमारे पैसे इतने दिनों से जमा है, अगर हमें मूल पैसे मिल जाते ठीक है, लेकिन नहीं दे पा रही सरकार, कोई बात नहीं, लेकिन पेंशन की जो बात है, किसी को 1000, 1500, 2000, 3000 दिया जा रहा है, क्या इससे जीवन का निर्वाह इस महंगाई के युग में किया जा सकता? कतई नहीं। जीवन जीने के लिए आधारभूत आवश्यकताएं जितनी हैं और हमारी इच्छाएं जितनी है, साधन सीमित होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस मांग को हमारे ईपीएस कर्मी विगत 8 वर्षों से लगे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी श्रमिक कार्यालय कर रहे हैं, ईपीएफओ कार्यालय कर रहे हैं, कभी रामलीला मैदान कर रहे हैं, यहाँ तक कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां से आपको फैसला दिया गया 7500 रुपए पेंशनरों को दिया जाए, प्लस डीए दिया जाए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किया जाए। इस अदालत के फैसले को जो है क्रियात्मक रूप ईपीएफओ कार्यालय क्यों नहीं कर रहा है, सवाल बनता है। अब बताइए, इनका प्राण भी चला जाएगा तो होगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी तो होगा। 75 लाख लोगों में अब तक लोग जो है 4 लाख जो है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, अलविदा हो चुके हैं,
देखो कहने की बात तो है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, सब इसी धरती पे रह जाएगा। जब तक जियो, सम्मान से जियो, आदर्श के साथ, संस्कार के साथ, भावपूर्ण स्नेह के साथ जियो। जो आपसी जो है स्नेह का, कि किसी ने कमेंट में भेजा था, अब विलंब के कारण स्वामी प्रभु, अब आपको ईपीएस लागू कर देने में क्या कारण है, क्या कारण है जो विलंब हो रहा है? सरकार के पास पैसे हैं, मामूली पैसे थोड़ी है, एक एक आदमी का 15 लाख 20 लाख रुपए पीएस कर्मियों का जमा है, उनके पैसे आप सोचिए कि करोड़ों और अरबों में पहुंच जाएंगे पैसे, 75 लाख लोगों का। अब इसमें लोग जो है तिल तिल के मरे और घुट घुट के जिए, ये जीवन कोई जीवन नहीं होगा। लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी गर्मियों की रक्षा के लिए, अपने जीवन को सरल और सरस बनाने के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन किया गया, विगत 8 सालों से लगातार, या कोई लंबी लड़ाई कम थोड़ी है, 8 साल की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है, वो भी सम्मान से। बताइए, क्या कभी आपने सुना कि ये पेंशन कर्मी जो पेंशन की मांग कर रहे हैं, ईपीएस 95 वाले, अपनी बढ़ोतरी की, रेलवे को रोका, चक्का जाम किया, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाया? कतई नहीं, कभी नहीं पहुंचाया। अब सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है, विगत 8 सालों में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो आपकी बात चैनलों के द्वारा, टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा पहुंची हो, लेकिन 1 महीने से जिस प्रखरता, जिस तीव्रता के साथ, जिस गति से हम और प्रिया बेटी, एवाई चैनल, मिनी संसद, दबंग दिल्ली, अन्य चैनलों से उठा रहे हैं, ये बात लगभग पूरे भारत में पहुंच गई, पहुंच इसलिए गई कि रोज 15 हजार से लेकर 50 हजार लोग जो है सुनते हैं, कमेंट आता है, हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। एक सूचना के तौर पे आपको बताऊं, आपका अनशन जो है 30 जनवरी से आरंभ होना था, कतिपय कारणों से, प्रशासनिक कारणों की वजह से एक दिन जो है पीछे डिले कर दिया गया। अब आपका 31 जनवरी से आपका धरना प्रारंभ होगा, जो कि अनुमति प्रदान हो चुकी है। अशोक रावत जी से एक प्रश्न के उत्तर में पूछा गया, बीरेन सर से भी पूछा गया, लोगों ने कहा कि ये धरना उत्तराखंड देवभूमि के जो है प्रथम दिन जो 30 तारीख को आते होना था, अब वो 31 जनवरी को होगा। इसलिए हमें मालूम है कि आप लोग अपना टिकट बना लिए हैं, कपड़े के, दवाई के। अब मौसम थोड़ा सा कुछ हीट हो रहा है, 3-4 दिन पहले तो ऐसा होता था कि हम बैठे जंतर मंतर पर आते थे, लेकिन महसूस मुझे होता था कि हम शिमला में बैठे हैं। आप लोग आइए, अपने आवश्यक सामान, कपड़े, आवश्यक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, विटामिन जो आप लोग लेते हैं इस उम्र में, आपका जीवन हमें भी मालूम है कि दवाइयों के बल पे चल रहा है। सरकार इतना भी ध्यान आपको नहीं दे पा रहा है कि हम कम से कम आपके दवा का खर्चा दे दें। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जाँच की फीस 200 से लेकर 500 रुपये ले लेता है, फिर उसके बाद आपको जाँच लिखता है, CBC टेस्ट करा लो, LFT टेस्ट करा लो, KFT टेस्ट करा दो, ये लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, इंटरेस्ट में 1000-2000 रुपए का खर्चा आ जाता है। कई लोग तो विश्वास करो, इस उम्र में डायबिटिक भी हो चुके हैं, शुगर के पेशेंट भी हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, अस्थिशोथ, हड्डियों वाइट पेन भी हो रहा है, जोड़ों का अर्थराइटिस भी हो गया, लेकिन जीवन जब इतना संघर्षमय है, कष्टमय है, तो सरकार को उस पर जो है ना अपना सरलता का रूप, दया का भाव, अपनी संप्रभुता, अपना कृपा की दृष्टि करना चाहिए। हम धार्मिक तभी माने जाएंगे जब हमारा उद्देश्य होगा ना कि हम बड़े बूढ़ों के प्रति समर्पित हैं, उनके उनके प्रति हम आदर्श करते हैं। पता लगा कि मेरे अंदर ऐसा है कि हम बड़े बूढ़ों को उपेक्षित कर रहे हैं। बड़े बूढ़ों को उपेक्षित करने का मतलब कि हम अपने माता पिता का कर रहे हैं, जैसा कि संस्कारों में बताया गया। अब आपको बताएं कि इस प्रिय बेटी को आप बराबर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो इन दिनों दिल्ली के रायसीना से लेकर के जो सांसद हैं, मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, उनके यहाँ भी जा करके एक यही बात पूछते हैं कि अब ईपीएस का आंदोलन चालू होने वाला है, आप बताइए इस पर कार्रवाई क्या करेंगे, यूमा आप इसकी क्या सूचना आ रही है? आप यूं मान के चलिए, आज के 4 दिन पहले पूरी दिल्ली सुनी सुनी थी, जबकि PMO कार्यालय को आप देखिए, गृह मंत्रालय को आप देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय देख लीजिए ना, जैसे कि पूरी दिल्ली उड़ करके जो है सीरिया अयोध्या धाम पहुंच गई हो, ये सत्य भी था, तो इसलिए नहीं मिल पाया था। अब जो है 3-4 दिन तक केवल अब हम ही मिलते रहेंगे, प्रिया जी 26 के बाद मिलेंगे, तो आपको ये सूचना मिल जाएगी किस मंत्री ने, किस सांसद ने और कैबिनेट स्तर का क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि आपको आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख मिलती रही,
हुआ उसमें कुछ नहीं, लेकिन इस बार होगा। हमें उम्मीद है कि आप जो 30 तारीख को आ रहे हैं, अगर आपका टिकट चेंज हो सकता है तो 31 तारीख करवा लीजिए। आपको रहने खाने की यहाँ व्यवस्था जैसे आप लोग करते थे एडजस्ट करके वैसे आप करिए। हमें कुछ कमेंट भी अच्छे से आए हैं, आप लोग गिफ्ट भी बेचते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, एक दिन आना, एक दिन पहले आना व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए आप 31 तारीख को पधारिए। अब हम अलविदा लेते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। फूलचंद यादव, दबंग दिल्ली, ए फार वाइस, नमस्ते।